हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। तो बच्चों, आपको पता होगा कि जो भोजन होता है वो खट्टा होता है या कड़वा होता है, या खाने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं, जैसे नींबू हो गया, नींबू जो होता है खट्टा होता है। इसी तरह से आप करेले को ले लीजिए, वो कड़वा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं भोजन में उपस्थित अम्लीयता और क्षारकता के कारण होती हैं। जिस भोजन में अम्लीयता ज़्यादा होती है वो भोजन खट्टा होता है, और जिस भोजन में क्षारकता ज़्यादा होती है वो भोजन जो होता है आपका क्षारी होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अम्ल क्या होता है और क्षारक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल आपके जो है वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो सारे के सारे जो है आपके अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इनके गुण क्या है? इनके गुण हैं, ये आपका स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे, और ये नीले लिटमस को जो है लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो लिटमस क्या होता है कि लिटमस जो है आपका एक प्रकार का सूचक है जो किसी भी विलयन में यह बताता है कि वो विलयन अम्ली है या क्षारीय है। तो ये लिटमस को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे HCl हो गया, HCl हो गया, जब इसको जल में घोला जाएगा तो ये H+ और Cl- आयन में जो है टूट जाएगा। यानी कि जिसमें भी आपका H+ आयन मुक्त होगा वो सारे के सारे जो हैं अम्ल होंगे। इसी तरह से अगर H2SO4 को ले लेते हैं, इसको इसका जब जलीय विलयन तैयार किया जाएगा तो यहाँ पर भी जो है H2 2+ प्लस SO4 जो होगा माइनस हो जाएगा। तो जिसमें H+ आयन उपस्थित होता है वो सारे के जो है आपके अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं, OH- आयन प्रदान करते हैं, वो जो है आपके क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे यौगिक जो जली विलयन में, इनको जब जल में घोला जाएगा तो वहां पर जो है हमको OH- आयन में वो टूटेंगे, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्षारक। और इनका गुण है, ये स्वाद में जो होते हैं कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे। ठीक है, और ये लाल लिटमस को जो है नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होंगे आपके वो लाल लिटमस को नीला कर देंगे। ठीक है, जैसे NaOH, NaOH इसको जब जल में घोला जाएगा तो ये Na+ और OH- में वियोजित होगा। इसी तरह से KOH, इसको जब जल में घोला जाएगा तो K+ और OH- में वियोजित होगा। अब एक और होता है आपका क्षार। क्षार क्या होते हैं? तो वे क्षारक जो जल में घुल जाए, जो जल में घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षारक मतलब कि जब क्षारक को आप जल में घोल देंगे
तो उसे हम लोग बोलेंगे क्षार। जब क्षार क्षारक को जल में, जैसे NaOH है, ये जो होता है आपका एक भस्म के रूप में होता है, राख के रूप में की तरह से होते हैं ये, KOH है, ये सब जो होते हैं मतलब इनका जली विलयन नहीं होता है। तो जब इनको जल में घोल दिया जाता है तो जो जल में घुल जाता है उन्हीं क्षारकों को हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लवण क्या होते हैं। तो अम्ल तथा क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो वहां पर जो है लवण का निर्माण होता है, यानी अम्ल और क्षारक की जब आपस में क्रिया कराई जाएगी तो वहां पर लवण का निर्माण होता है। जैसे यदि हम लोग NaHCl की अभिक्रिया अगर हम लोग कराते हैं NaOH से, ठीक है, तो यहां पे आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2, ठीक है, यानी कि लवण और जल का जो है यहां पर निर्माण होगा। इसी तरह से यदि हम लोग HCl की अभिक्रिया KOH से कराते हैं तो ये बन जाएगा KCl प्लस H2, यहां पे हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड और ये हो गया आपका पोटेशियम क्लोराइड। अथवा या एक चीज और इनको बोल सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो जली विलयन में, मतलब ऐसे यौगिक जो जली विलयन में या पिघली अवस्था में धनात्मक आयन लेकिन H+ नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक आयन OH- नहीं होना चाहिए प्रदान करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं लवण। मतलब जब इनको घोला जाएगा तो ये अपने जली विलयन में धन और ऋण दो भागों में वियोजित होंगे लेकिन H+ नहीं होगा और OH- नहीं होगा, इन्हें हम लोग बोलते हैं लवण। जैसे अगर NaCl, यहां से देखिए HCl और NaOH की अभिक्रिया कराने क्या बना, NaCl बना, तो NaCl जो है इसको जब हम लोग जल में घोलेंगे तो फिर ये आपका बन जाएगा Na+ और Cl-, फिर इस तरह से KCl का H2O से कराएंगे तो K+ और Cl- बनेगा। लेकिन यहां पर जो है आपका न तो हाइड्रोजन आया है और न तो OH- आया। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक जो है आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में अम्ल और क्षारक दोनों का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है और वहां पे जो है आपका लवण और जल का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहीं पर जो है एंड करते हैं और आपके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिटमस के बारे में, सूचक के बारे में और जो अम्ल और क्षार हैं उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति है जो एसिडिटी यानी कि अम्लता से पीड़ित है तो उससे बचाव के लिए जो है आप लोग उसको किसका विलयन देंगे, नींबू का विलयन देंगे यानी कि नींबू का घोल देंगे या सिरका देंगे या बेकिंग सोडा देंगे, बेकिंग सोडा, तीनों में से किसका विलयन देंगे, और इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यदि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।